लातेहार डीएमओ ने रविवार को बालूमाथ प्रखंड और हिरहंज प्रखंड अंतर्गत संचालित कई क्रशरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में आवश्यक कागजात नहीं होने पर दो क्रशर को सील भी किया गया, जिसमें बालूमाथ थाना अंतर्गत जवरा में चल रहे क्रशर संचालक दिनेश प्रसाद सिंह के क्रशर संबंधित कागजात की मांग की गई, लेकिन कागज नहीं पाए जाने पर डीएमओ ने क्रशर को सील कर दिया। क्रशर में 6000 घन फीट बोल्डर और 200 घन फीट चिप्स को भी सील किया गया, जिसके बाद हिरहंज प्रखंड के हैसातु में सोहराय सिंह नामक व्यक्ति का चल रहे क्रेशर का भी पेपर नहीं मिलने पर उसे सील कर दिया गया है, जहां पर 500 घन फीट चिप्स, 200 घन फीट बोल्डर और 100 घन फीट जीरा स्टोन को भी सील किया गया है। इसके अलावा बालूमाथ चतरा मुख्य मार्ग पर टमटम टोला के पास से छरी ले जा रहे ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। चालक से पेपर मांगने पर उसके पास चालान नहीं था। ट्रैक्टर को पकड़कर बालूमाथ थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। डीएमओ की इस कार्रवाई से अवैध क्रेशर संचालकों में हड़कंप देखा जा रहा है।